बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? कुक विद सना में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से अंडे आलू की रेसिपी बनाना सिखा रही हूँ, और बिना टमाटर वाले, क्योंकि अक्सर लोग टमाटर नहीं खाते हैं, तो इसलिए मैं बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से आप लोग को अंडे आलू बनाना बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम लोग अंडे को बॉईल होने के लिए रख देते हैं। और इसमें हम आधी चम्मच नमक डालेंगे, क्योंकि अक्सर अंडा उबालते वक्त अंडा फट जाती हैं। तो आप इसे 10 मिनट के लिए गैस पे अंडे बॉईल कर लेंगे। तो पहले हम 5 मिनट के लिए इसे हाई फ्लेम पे रखेंगे और 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। तो चलिए अब हम लोग आलू कट कर लेते हैं। वैसे तो लोग किसी भी स्टाइल में कट कर लेते हैं, लेकिन हम लोग राउंड शेप में कट करेंगे। इससे आपको देखने में भी खूबसूरत, खाने में भी अच्छा। तो इस तरह हम लोग राउंड शेप कर लेते हैं आलू के। तो आइए हम लोग कुछ मसाले जो पीसेंगे उनको तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए 3 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 4 लौंग, 10 बारीक काली मिर्च और 1 चम्मच जीरा, और उसमें लेते हैं 10 बारह कलियाँ लहसुन की, 1 इंच अदरक के और 4 प्याज, क्योंकि ग्रेवी ठीक होनी चाहिए इसलिए, क्योंकि हम इसमें टमाटर नहीं डाल रहे हैं इसलिए हम प्याज थोड़ा ज़्यादा लेंगे। तो हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे पीछे के आवाज़ों को प्लीज़ इग्नोर कीजिए, क्योंकि अभी मैंने नया चैनल स्टार्ट किया है, तो अभी हमारे पास ना तो माइक है ना तो कैमरा है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, तभी शायद मैं आगे बाकी चीज़ों को ले पाऊँ। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, मुझे माफ़ कीजिए पीछे की आवाज़ों को। तो फ्रेंड्स, हमने अंडे बॉईल कर लिए हैं और इसे मैंने छील लिया। अब इसे मैं कट करूँगी ऊपर से ऐसे और ऐसे नीचे से, और ऐसे हम लोग कट कर लेंगे। हम लोग इसलिए कट करते हैं इसे कि ताकि जब हम लोग इसे फ्राई करें तो ये फटे नहीं, और दूसरी बात कि ये जो ग्रेवी है इसके अंदर तक जाए अंडे के। फ्रेंड्स, हमने चूल्हे जला लिए हैं और इस पर कढ़ाई रख दिया है। अब उस पर हम तेल डालेंगे। और हम उसमें अंडे फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे तेल अब गर्म हो गया है। तो फ्रेंड्स, हमारे अंडे अब लाल हो चुके हैं, अभी हम निकाल लेते हैं। और इसी अंडे के तेल में अब हम मसाला डालते हैं। अब जिसमें हमने अंडे फ्राई किए थे उसी तेल में हम आगे का मसाला बनाएंगे। सबसे पहले हम इसमें मेथी दाना डालते हैं और 2-3 तेजपात।
अब इसमें हम मसाला ऐड करेंगे जो हमने पीसा था। अब हम बाकी के पाउडर मसाले डालेंगे, जैसे एक चम्मच धनिया, एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच मिर्च और स्वाद अनुसार नमक। अब जिस मसाले में मैंने मिक्सी में मसाला पीसा था उसी में पानी डाल लेते हैं और हम ये इसमें आलू ऐड करेंगे। और अब इसे हम 10 मिनट पे धीमी आंच पे रख देंगे ताकि हमारा आलू गल जाए ढक के। तो फ्रेंड्स, हमारे आलू को गलते हुए धीमी आंच पे 10 मिनट हो गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे आलू अच्छी तरह से गल गए हैं। अब इन्हें हम अच्छे से भून लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारे आलू अच्छी तरह भुना गए हैं। अब इसमें हम अंडे डाल करके उसे भी भून लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारे अंडे भी भुना गए हैं अच्छी तरह और इसमें हम थोड़ा सा धनिया पत्ती ऐड करेंगे और इसमें अपने ग्रेवी के अनुसार पानी डालेंगे। और इसे अब हम 10 मिनट के लिए मीडियम आंच पे रख देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे अंडे को 10 मिनट हो गए हैं बनते। अब हमारे अंडे रेडी हो गए हैं। तो अब हम इसे डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स, हमारे अंडे आलू की ग्रेवी तैयार हो गई है। तो प्लीज़ आप लोग भी बनाइए और खाइए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।